आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कृषि फसल बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में नए साल के पहले कारोबारी हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और इस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि कई राज्यों में भारत के अंदर भी अब जो ओमिक्रॉन है और जो कोरोना के जो केसेस हैं वो धीरे धीरे पैर पसारते नजर आ रहे हैं। दिल्ली से खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि 100 लोगों में से 84 लोगों को ओमिक्रॉन देखा जा रहा है, यानी कि डेल्टा की जगह अब ओमिक्रॉन पैर पसारते नजर आ रहा है। 100% में से 84% लोगों को ओमिक्रॉन होने का अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। तो हम देखते हैं कि जब भी लॉकडाउन लगता है, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो या उत्तर प्रदेश हो, कोई सा भी राज्य हो, लॉकडाउन में जो कारोबार है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाता है। कारोबार में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है व्यापारियों को, चाहे दुकान ना खोलने का हो, खोलने का मिजान हो, तो ऐसे में जो सेल है वो इम्पैक्ट कर जाती है। तो अब अगर आपको भी लॉकडाउन की वजह से अपने कारोबार की चिंता सता रही है तो अब आपको और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आ गई है मार्केट के अंदर अब माई बिग ब्लिस ऐप। माई बिग ब्लिस ऐप एक ऐसी ई कॉमर्स ऐप है जो आपको घर बैठे बैठे आपकी दुकान चलाने का मौका दे रही है आज, और इसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, अपनी जेब से आपको 1 पैसा भी नहीं देना है किसी को भी। करना छोटा सा काम ये होगा, सबसे पहले अपने फ़ोन में माई बिग ब्लिस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर से माई बिग ब्लिस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको इस पर अपनी दुकान रजिस्टर कर लेनी है और स्टोर बना लेना है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है, 1 पैसा नहीं देना, और जब आपका स्टोर लाइव हो जाएगा आपके पास ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं या फिर एम्प्लॉई हैं और अपनी इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं तो भी आप इस ऐप के ज़रिए फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी इनकम और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले से दुकानदार हो तभी आप इस ऐप पर अपना सामान बेच सकते हो, ऐसा नहीं है। कोई भी इस ऐप पर अपना सामान बेच सकता है, वो भी 1 रुपया खर्च करें। तो तुरंत डाउनलोड करें अभी माई बिग ब्लिस ऐप गूगल प्ले स्टोर से। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसे ट्रेड करता नजर आ रहा है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कैसे सीड से। देख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे सीड का जनवरी वायदा आज हरे निशान पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। देख रहे हैं कैसे सीड का जनवरी वायदा 5,922 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 5,992 का ही लगा चुका है। लगभग 0.25% की तेजी हम देख रहे हैं कि कैसे के अंदर बनती नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों के बाद या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि काफ़ी हफ्तों के बाद अब जाके कैसर में कहीं कुछ हल्की बढ़त बनती नज़र आई है। जो कीमतें हैं वो निचले स्तरों से अब उठती नज़र आई हैं। आज भी 6,000 के बेहद करीब है, 8 पॉइंट की दूरी है सिर्फ 6,000 का स्तर टच करने में कैसा सीड में। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या शाम के कारोबारी सत्र में कैसा सीड 6,000 का लेवल दिखा पाएगा या नहीं। अब खबरें ऐसी निकल के सामने आई हैं कि जो कैसे सीड का वायदा बाजार है उसका कैसे सीड का जो उत्पादन है लगभग 3 साल में कम रह सकता है। लगभग 16 लाख टन के आसपास के उत्पादन बताया जा रहा है जो इस बार रहने का अनुमान है। तो अब कैसे सीड में और दूसरी कृषि फसलों में क्या करके चलना सही रहेगा, आगे कौन सी कृषि फसल में तेजी बंदी रहेगी, आइए जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं SMC के रिसर्च एसोसिएट रविंद्र शर्मा जी। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। धन्यवाद जी। रविंद्र जी, सबसे पहले आपसे कैसे सीड के ऊपर बात करना चाहूँगा। हमने कैसे को 5800 के ऊपर एक रेंज में ट्रेड करते देखा है, अब देख रहे हैं कि 5900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 6000 से सिर्फ 8 पॉइंट की दूरी पर है। ऐसे में आपको क्या लगता है, कैसर में जो अचानक से बढ़त बनी है तो क्या ये शॉर्ट टर्म के लिए है या फिर आगे भी कैसर की कीमतों में तेजी देखने को मिलेगी? देखिए, कैस्टर में जो रुझान बन रहे हैं वो तेजी के रुझान बनते हुए दिख रहे हैं। तो इसमें फंडामेंटल सपोर्ट भी मिल रहा है क्योंकि हमने देखा कि प्राइस
इसमें जो न्यूज आ रही है वो ये है कि इसमें प्रोडक्शन जो है वो कम हो सकती है जी। और अगर प्रोडक्शन कम होती है तो कैस्टर प्राइसेस जो है ये फर्दर हायर साइड ही मूव करेंगे। चार्ट पैटर्न्स की बात करें तो चार्ट पैटर्न्स में भी करेक्शन जो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होती हुई दिखी थी पिछले महीने में, और अभी यहाँ से चांसेस हैं कि रैली जो है ये हायर साइड मूव कर सकती है। सपोर्ट रहेगा कैस्टर प्राइसेस के लिए इमीडिएट 5850 के अराउंड का। वहीं रेजिस्टेंस की बात करें तो 6050 के आसपास का एक रेजिस्टेंस होल्ड कर रही है, उसको ब्रेक करने के बाद हायर साइड में 6200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं जी। तो यानी कि कैसा सी का वायदा बाजार आगे अब 6200 की ओर जाता नजर आ सकता है। फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों ही बेसिस पर कैसा सी की कीमतों में अच्छी खरीदारी देखने को आगे जाके मिल सकती है। यहीं से रविंद्र जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का जनवरी वायदा देख रहे हैं 6156 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 3156 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 3198 का ही लगा चुका है, 1.5% की तेजी है। वही फरवरी वायदा देख रहे हैं कि 3220 का हाई लगा चुका है। रविंद्र जी आपने पहले ही बता दिया था कि बिनौला खल में आगे जाके तेजी देखने को मिलेगी, 3200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, आज आपका वो टारगेट अचीव होता हुआ नजर आ चुका है। ऐसे में अब आपको आगे क्या लगता है, क्या यहाँ से बिनौला खल में कोकुड में कुछ प्रॉफिट बुकिंग बनती है या फिर यहाँ से कीमतें और आगे तेजी की ओर जाएंगी? देखिए कोकुड के चार्ट को अगर एनालाइज किया जाए तो कोकुड चार्ट के बेसिस पे यहाँ से एक हल्की करेक्शन जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है ये पॉजिटिव साइड का ही दिख रहा है अभी भी जी। डिप पे बाय करना बेहतर रहेगा क्योंकि इसमें जो सपोर्ट मिल रहा है ये कॉटन की तरफ से अगर देखें तो कॉटन प्राइसेस जो है ये फर्दर हायर साइड मूव कर रहे हैं, इंटरनेशनल कॉटन भी हायर साइड मूव कर रहे हैं क्योंकि अराइवल्स जो है वो हाफ के अराउंड है जो नॉर्मल ईयर्स में रहते हैं, और डिमांड जो है एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो काफी ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रही है, और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि कॉटन प्राइसेस जो है ये फर्दर हायर साइड मूव कर रहे हैं। और वहीं से एज लेते हुए कोकुड प्राइसेस में भी हमने देखा कि बाइंग विटनेस हो रही है। आने वाले दिनों में हमें एक्सपेक्टेशन है कि अगर कोकुड प्राइसेस 3200 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो नेक्स्ट टारगेट जो इनके लिए रहेगा वो 3430 और 3550 का रहेगा, और ज्यादा चांसेस यही लग रहे हैं कि हायर साइड मूव करेगा। डिप अगर मिलता है तो बाय करके चल सकते हैं जी। तो यानी कि अभी हो सकता है कि बिनौला खल की कीमतों में एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग बनती नजर आए, कुछ हल्की दबाव बनता नजर आए, लेकिन जो ओवरऑल रुझान रहेगा बिनौला खल में आगे तेजी का ही रहेगा। यहीं से रविंद्र जी बात करें अगर स्पाइसेस की, मसाला कॉम्प्लेक्स की, तो हमने आज काफ़ी दिनों के बाद मसालों में काफ़ी शानदार तेजी बनते देखी है। धनिया में देख रहे हैं कि 9200 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जीरा देख रहे हैं कि 16700 के ऊपर का हाई लगा चुका है, और हल्दी 10000 के ऊपर ट्रेड करती नजर आ रही है 4.5% के ऊपरी सर्किट के साथ। आपको क्या लगता है, क्या मसालों में अब यहाँ से तेजी बनना शुरू हो गई है? देखिए इसमें एक तो यही है कि एक्सेसिव रेन की वजह से जो प्रोडक्शन है वो काफी हैम्पर हुई है, और उसी वजह से एंटीसिपेशन है कि डिमांड जो है वो आने वाले दिनों में इंक्रीज होती हुई दिखेगी, और प्रोडक्शन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कम हुई है तो चांसेस यही है कि टर्मरिक प्राइसेस और इवन की जीरा प्राइसेस जो है ये फर्दर अपसाइड में ही रहेंगे। और धनिया की बात करें तो धनिया में भी चार्ट फॉर्मेशंस काफी पॉजिटिव बनती हुई दिख रही है, यहाँ से चांसेस है कि टर्मरिक में एक हल्की करेक्शन देखने को मिल सकती है हायर लेवल से, लेकिन ओवरऑल बाकी कमोडिटीज को देखें तो पॉजिटिव साइड का ही बनता हुआ दिख रहा है। जीरा की बात करें तो जीरा में जरूर यहाँ से अगर डिप मिलता है तो डिप के बाद भी ये कमोडिटी हायर साइड में 17200 तक के लेवल को टारगेट कर सकती है पोजिशनल बेसिस पे। वहीं धनिया की बात करें तो धनिया में भी 9100 के ऊपर आज ट्रेड करता हुआ हमने देखा है, अभी चांसेस हैं कि यहाँ से 9300 तक भी ये कमोडिटी हायर साइड में मूव कर सकती है क्योंकि फंडामेंटल इतने ज्यादा सपोर्टिव हैं कि यहाँ से प्राइसेस फर्दर अपसाइड जा सकते हैं। अगर डिप मिलता है तो डिप को हम यूटिलाइज कर सकते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के, और वहां से बाइंग करके चल सकते हैं। डाउन साइड में सपोर्ट धनिया का 8980 के आसपास का है। वहीं जीरा की बात करें तो जीरा में 16300 का सपोर्ट होल्ड कर रहा है। टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक में डिप का वेट करना चाहिए 9600-9700 तक की। ये कमोडिटी डाउन साइड में अगर फॉल आती है तो वहीं पे बाइंग करनी बनती है, अदरवाइज इस कमोडिटी को इस अभी के टाइम के लिए इग्नोर करना चाहिए जी।
यही से रविंद्र जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में देख रहे हैं कि काफ़ी समय से गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज कुछ थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली है, बाइंग इनिशिएट होती हुई नजर आई है लोअर लेवल से। आपको क्या लगता है ग्वार कॉम्प्लेक्स कैसा रहेगा आने वाले दिनों में? कि ग्वार की बात करें तो ग्वार में भी बाइंग बनती हुई दिख रही है, चांसेस यही लग रहे हैं कि ग्वार फर्दर हायर साइड ही मूव करेगी। इसमें भी लोअर स्टॉक्स और एक्सपोर्ट डिमांड इंक्रीज कर रही है और जो स्टॉक्स हैं वो मल्टी ईयर लो पे हैं, तो चांसेस यही है कि फंडामेंटल सपोर्टिव है। क्रूड प्राइसेस अगर यहाँ से फर्दर हायर साइड मूव करते हैं तो वहां से भी एज मिलेगा, और टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को अगर देखें तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पे भी करेक्शन कंप्लीट होती हुई दिख रही है वीकली चार्ट्स पे। सपोर्ट कमोडिटी अपना 5940 के आसपास का सपोर्ट होल्ड कर रही है और चांसेस यही है कि 5940 के ऊपर जब तक ग्वार सीड सस्टेन करती है चांसेस हायर साइड के ही लग रहे हैं, और हायर साइड में 64 और 6600 तक के टारगेट ये पोजिशनल बेसिस पे ले सकती है। वहीं क्वार गम की बात करें तो क्वार गम में भी करेक्शन कंप्लीट होती हुई दिख रही है, चांसेस ये लग रहे हैं कि ग्वारगम जनवरी जो है ये हायर साइड में 11500 तक के लेवल दिखा सकती है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा कंपैरेटिव ग्वार सीड में और ग्वारगम कंपैरेटिव थोड़ा सा स्लो मूव करेगी, ग्वार सीड थोड़ा ज्यादा मूव करता हुआ दिख रहा है और जो चार्ट पैटर्न्स है वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है ग्वार सीड के कंपैरेटिव ग्वारगम जी। ये सर रविंद्र जी बात करेगा सोयाबीन की, तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि 6200 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। हमने लास्ट वीक देखा था कि जो सोयाबीन था उसमें लास्ट वर्किंग डे में हमने 3-4% का लोअर सर्किट लगते हुए देखा था, लेकिन फिर हमने सोयाबीन में निचले स्तर से खरीदारी भी देखी जो कि अभी भी देखने को मिल रही है और 6200 पर ट्रेड करती नजर आ रही है सोयाबीन। ऐसे में आपको क्या लगता है साल 2022 सोयाबीन के कैसा रहेगा और शुरुआती दौर में सोयाबीन की कीमतें क्या रह सकती हैं? देखिए सोयाबीन में एक तो सेबी ने जो एक्सचेंज को मना किया था कि फ्रेश पोजीशंस अभी ना ली जाएं, और उसी वजह से अभी हमारे पास जो सोयाबीन के चार्ट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल बेसिस पे लग रहा है कि आने वाले दिनों में सोयाबीन के प्राइसेस जो हैं ये थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हायर साइड से विटनेस कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन कर रही है उसमें, और चांसेस यही लग रहे हैं कि अगर करेक्शन मिलती है तो वो थोड़ा सा बेहतर रहेगा और वहां से फिर फ्रेश पोजीशंस क्रिएट करके चल सकते हैं जी। रविंद्र जी यहीं से बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में हमने आज काफी शानदार तेजी आते हुए देखी है, 34,500 के ऊपर सुबह के कार्रवाई सत्र में ट्रेड करता नजर आ रही थी और डिमांड भी देख रहे हैं कि वो भी काफी शानदार देखने को मिल रही है। इन सब के मद्देनजर आपको क्या लगता है M6 कॉटन में आगे क्या रुझान रह सकता है? देखिए M6 कॉटन इस समय ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है, यहाँ से फ्रेश पोजीशंस तो लेना एडवाइज नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं तो उसे कैरी करके चल सकते हैं। यहाँ से हायर साइड के टारगेट्स जो बनते हुए दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं कि यहाँ से 35200 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उससे पहले बीच में कोई रेजिस्टेंस बनता हुआ नहीं दिख रहा है, और चांसेस लग रहे हैं कि हायर साइड ये मूव करके और टारगेट अचीव भी कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके के वॉल्यूम्स हैं और जिस तरीके का मोमेंटम है चांसेस यही है कि हायर साइड ही मूव करेगा, लेकिन अगर डिप मिलता है तो वो बेहतर रहेगा बैंक के लिए, और डाउन साइड में अगर यहाँ से कमोडिटी करेक्शन लेती है तो 33900 तक की करेक्शन बनती हुई दिखती है, और वहां से अगर बाइंग इनिशिएट होती है तो वो अच्छी बाइंग रहेगी जी। रविंद्र जी बात करें यहाँ से अगर मेंथा ऑयल की, तो मेंथा ऑयल में आपको क्या लगता है आगे जाके मेंथा ऑयल का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए मेंथा में मैंने लास्ट टाइम भी कॉल दिया था जब आपसे बात हुई थी, तो उस समय भी मेंथा में मैंने पॉजिटिव व्यू ही बताया था, अभी भी चांसेस है कि मेंथा यहाँ से हायर साइड में 1040-1060 के लेवल अचीव कर सकता है, और सपोर्ट जो है ये 1005 के आसपास का अभी कमोडिटी होल्ड कर रही है, यहाँ से भी बाइंग करके चल सकते हैं क्योंकि हायर साइड में पोजिशनल बेसिस पे 1120 तक ये कमोडिटी मूव कर सकती है जी। रविंद्र जी हमने देखा है कि आज नए साल के साल 2022 के पहले कारोबारी सप्ताह के पहले कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार काफ़ी अच्छा ट्रेड करता नजर आ रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग साल 2022 के लिए टॉपिक्स क्या रहेंगे जिनमें अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है, जो ईयर एंड पे अच्छा प्रॉफिट देती नजर आ सकती हैं? देखिए यहाँ से अगर ईयर एंड की बात करें तो ईयर एंड के हिसाब से मेरे को लग रहा है कि कैस्टर और कॉटन कॉम्प्लेक्स जो है कि ये काफी पॉजिटिव रह सकते हैं। कैस्टर में अगर करेक्शन के बाद में बाइंग करेंगे
तो ये काफी बेहतर रहेगा। अभी कमोडिटी 5900 के आसपास ट्रेड कर रही है, यहाँ से अगर 200 से 250 पॉइंट की करेक्शन और मिल जाती है तो वहां से हम फ्रेश पोजीशंस क्रिएट करके चल सकते हैं, तो ईयर एंड पे इस पे काफी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। दूसरा मेंथा ऑयल काफी ज्यादा लोअर साइड में इस समय हमें मिल रहा है, और चांसेस यही है कि अगर मेंथा को हम यहाँ पे पोजिशनल कैरी फॉरवर्ड करके चलते हैं तो ईयर एंड तक इसमें भी काफी अच्छे मुनाफे देखने को मिलेंगे। वहीं ग्वार कॉम्प्लेक्स में भी चांसेस लग रहे हैं कि ग्वार जो है ये आने वाले कुछ महीनों में काफी पॉजिटिव हो सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, साल 2022 किन कृषि फसलों के लिए अच्छा रह सकता है और उन पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।